हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली क्राफ्ट आयशा खानम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी, ढाबा स्टाइल में शाही पनीर, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। अक्सर हम शादी पार्टी में कहीं भी जाते हैं तो हम शाही पनीर सबसे पहले खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये। तो आज उसी स्टाइल में बनाने वाले हैं हम शाही पनीर को, वो भी घर पे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ज़रा भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मक्खन है, काजू का पेस्ट है, टमाटो प्यूरी है, जिंजर गार्लिक चिल्ली का पेस्ट है, इसमें मैंने हरी मिर्च को पीसा हुआ है, और साथ ही मैंने लिए क्रीम, प्याज, पनीर और दही। इन सभी इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनेगा हमारा शाही पनीर एकदम ढाबा स्टाइल में। सबसे पहले मैंने लिए कढ़ाई, कढ़ाई के डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल, ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें जाएगी हमारी प्याज। तो प्याज को हम लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। शाही पनीर को बहुत ज़्यादा रॉयल डिश माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो प्याज हमारी हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है और इस स्टेज पर हम इसे बाहर निकालेंगे प्लेट के अंदर, क्योंकि ठंडा होकर ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो प्याज को मैंने निकाल लिया एक प्लेट के अंदर और सेम ऑयल के अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, हरी इलायची, काली इलायची और लौंग। साथ ही इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, इसे मैंने हरी मिर्च को पीसा हुआ है, 2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें ये पेस्ट। और अब पेस्ट को अच्छे से हम भूनेंगे। तो पेस्ट को आप अच्छे से भूनें ताकि इसका कच्चापन सारा अच्छे से निकल जाए। और अब इसके अंदर जाएगी हमारी ये टमाटो प्यूरी। तो ये 5 से 6 टमाटर थे बड़े साइज के, जिनके मैंने पीस के प्यूरी बना ली है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अच्छे से इसे मिलाते हुए भूनेंगे हम। तो टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं और अपना अच्छा सा कलर दे दें, तो इसके लिए मैंने डाल दिया साथ में नमक। नमक डालने से टमाटर का कच्चापन जो है वो निकल जाता है और अच्छे से टमाटर हमारे जल्दी से कुक हो जाते हैं। तो अभी इसे हम ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट। तो 2 से 3 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, हमारी प्यूरी जो काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। और उसमें जाएंगे हमारे स्पाइसेस, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और थोड़ा सा डालूंगी पीली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। नमक इसमें हमने पहले ही ऐड कर दिया था, इसलिए हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ब्राउन प्याज का पेस्ट, जो प्याज अभी हमने फ्राई करी थी उसको मैंने पेस्ट बना लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं अपने ग्रेवी के साथ। शाही पनीर की जो ग्रेवी होती है काफ़ी ज़्यादा रिच और रॉयल होती है। तो आप देख सकते हैं हमारे मसाले कितने अच्छे से भुन चुके हैं। साइड में जो ऑयल भी स्प्रेड कर दिया है, इसमें जाएगा हमारा 1 कप दही। तो दही को अच्छे से हम मिक्स करेंगे अपने ग्रेवी के साथ। और अभी से हम कुछ देर फिर से ढककर पकाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपनी ग्रेवी को। तो ग्रेवी हमारी काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है, इसने तेल छोड़ दिया है काफ़ी अच्छे से। और अपनी इस ग्रेवी को थोड़ा सा और रॉयल और रिच बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें काजू का पेस्ट। तो आप जब भी आप काजू का पेस्ट बनाएं उसे दूध के साथ ही पीसें काजू को, और काजू को आप 5 से 10 मिनट गर्म पानी के अंदर पहले से भिगो दें, तभी उसका पेस्ट बनाएं, उससे उसका अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। साथ ही इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी क्रीम ताकि हमारी ग्रेवी और भी ज़्यादा रॉयल लगे। और अब जाएगा इसके अंदर ढेर सारा मक्खन, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो काजू और क्रीम का पेस्ट डालने से हमारी ग्रेवी का कलर जो चेंज हो चुका है आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर थोड़ा सा डाल रही हूँ पानी, तो काजू के पेस्ट के बाउल के अंदर जो था मैंने उसी में पानी डालकर इसमें ऐड कर दिया है।
और अभी से हम फिर से ढककर पकाएंगे। 10 से 15 मिनट में से अच्छे से ढककर पकाऊंगी, उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ। तो बीच बीच में से आप चलाते रहें, क्योंकि काजू इस पर डाले हैं तो काजू जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे लगने का डर रहता है उससे। और आप थोड़ा सा दूर रख के अपने हाथ को, क्योंकि ऐसी काफ़ी ज़्यादा छींटे आ रही हैं। और इसमें डाल दिया मैंने कसूरी मेथी, सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। और इसके अंदर आएगा हमारा ये पनीर। पनीर को मैंने ये ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। अच्छे से इसे भी मिक्स कर देते हैं अपनी ग्रेवी के साथ। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे पनीर के साथ ग्रेवी और अच्छे से पक जाए और पनीर भी हमारा फ्लेवर को अब्सॉर्ब कर ले अपने अंदर। अब फिर से इसे 5 मिनट हम ढककर पकाएंगे। तो 5 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं अपने शाही पनीर को। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है हमारा ये शाही पनीर। से निकाल लेती हूँ मैं एक बाउल के अंदर, है ना, एकदम ढाबा स्टाइल में मैंने इसे बनाया है, एकदम ढाबे जैसा लग रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है हमारा ये शाही पनीर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं किस किस को शाही पनीर पसंद है और कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।